हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ किचन के कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर कर रही हूँ, जो आपके रोज़मर्रा के काम को बेहद ही आसान बना देंगे और आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी। दोस्तों, आप मेरी वीडियो किस शहर किस देश से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए, जिससे मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं पहली यूज़फुल टिप। पहली टिप हम सभी महिलाओं के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। दोस्तों, बच्चे अधिकतर अपने यूनिफॉर्म पर इस तरह के पेन के दाग लगा कर चले आते हैं और इसे हम जब साफ़ करते हैं तो ये जल्दी साफ़ नहीं होता। तो इसके लिए मैं आपको एक आसान सी टिप बता रही हूँ, जिससे ये दाग बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि इस पर दाग भी लगा हुआ था। तो इसके लिए आप ले लीजिए विम बार, जिसे आप बर्तन मांजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जिस जगह पर दाग लगा हुआ है उस जगह पर आप विम बार को लगा दीजिए। हमें उस दाग को विम बार से पूरी तरह से कवर कर देना है और इसे हमें 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अब इसमें हमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 मिनट के बाद अब आप हाथों से इसे रब कर दीजिए। पहले इसे सूखा ही आप रब करिए। आप देखेंगे कि जो भी दाग लगा हुआ था वो बहुत ही आसानी से निकलने लगा है। थोड़ा सा आप रब करिए, उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और उसके बाद आप जब इसे रब करेंगी तो देखेंगी कि जो भी पैन का दाग लगा हुआ है वो पूरी तरह से साफ़ हो गया। इसमें आपको कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको वीडियो स्किप करके नहीं दिखा रही हूँ। देखिए, रिजल्ट आपके सामने है। जो भी दाग लगा हुआ था वो पूरी तरह से साफ़ हो गया है। इस पर आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे रगड़ लीजिए। उसके बाद आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। देखिए, जो भी पेन का दाग लगा हुआ था वो पूरी तरह से साफ़ हो गया है। रिजल्ट आपके सामने है। आपने पेन के दाग को साफ़ करने के कई टिप देखे होंगे, मगर इस टिप को आप एक बार फॉलो करके देखिएगा। आपको ये टिप बहुत ही पसंद आने वाला है। मैंने पर्सनली इसे यूज़ किया, मुझे ये काफ़ी पसंद आया, इसलिए इसे मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। देखिए, पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पर पेन का निशान लगा हुआ था। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं दूसरी यूजफुल टिप। नेक्स्ट टिप भी हमारी डिशवॉश को लेकर है। दोस्तों, जब हम डिशवॉश का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए ये इस तरह से गीला हो जाता है। मैंने इस डब्बे में छेद भी किया हुआ है जिससे ये डिशवॉश सूख जाए, मगर इससे डिशवॉश सूखता नहीं है और भी इससे डिशवॉश वेस्ट होता है। जब भी डिशवॉश गीला हो जाता है तो छेद के रास्ते डिशवॉश नीचे की तरफ चला जाता है और हमारा डिशवॉश काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। देखिए, ये इतना गीला और चिपचिपा हो गया है कि इसे हाथों से ना निकाल के चम्मच से निकालना पड़ रहा है। देखिए, ये कितना गीला और चिपचिपा सा हो गया है, जिसकी वजह से ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। और देखिए, इस डब्बे में भी कितना डिशवॉश लगा हुआ है जो कि छेद के रास्ते नीचे चला जाता है। तो इसके लिए आप ले लीजिए एक स्पंज का टुकड़ा और इस स्पंज के टुकड़े को आप डब्बे में डाल दीजिए जिसमें आप डिशवॉश रखते हैं और इसके ऊपर आप डिशवॉश को रख दीजिए। अब जब भी डिशवॉश गीला होगा वो स्पंज में चला जाएगा और जब स्पंज में डिशवॉश चला जाएगा तो आप इससे भी बर्तन को आसानी से साफ़ कर सकते हैं। इससे आपका डिशवॉश भी सूखा रहेगा और काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। इससे आपके पैसों की काफ़ी बचत होगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरी टिप। दूसरी टिप हमारी कोलगेट से लेकर है। कोलगेट हमारे दांतों को तो साफ़ करता ही है, बट ये हमारे किचन के क्लीनिंग के भी उतना ही काम आता है। जैसे गैस बर्नर हो गया, जब हम ज़्यादा गैस यूज़ करते हैं तो उसमें कालिक वगैरह लग जाती है। तो आप गैस बर्नर की सफाई के लिए और गैस की सफाई के लिए कोलगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हमें बर्नर पर और गैस पर लगा देना है और क्या करना है कि एक पुराना ब्रश ले लेना है और उस ब्रश की मदद से इसकी अच्छे से सफाई कर सकती है। अगर आप इसे थोड़ी देर लगे ही रहने देना चाहती हैं, ज़्यादा घिसना नहीं चाहती हैं, तो आप इसे 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से लगे रहने दीजिए। उसके बाद आप इसे साफ़ कर सकती हैं। कोलगेट से सफाई करने से बहुत ही बढ़िया साइन भी आती है। अगर आपका ग्लास वाला गैस है
तब तो उस पर और भी अच्छी साइन आ जाती है। मेरा गैस स्टील वाला है, फिर भी ये बहुत ही अच्छी तरह से सफाई करता है, मगर कांच वाले गैस पे इसका रिजल्ट और भी अच्छा मिलता है। तो आप इसे थोड़ी देर इसी तरह से छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के बाद, लगभग 1 से 2 मिनट के बाद, आप इसकी फिर से सफाई करिए। तो इसकी सफाई के लिए मैंने विनेगर का इस्तेमाल किया हुआ है। आप चाहे तो नींबू की मदद से भी इसकी सफाई कर सकती हैं। बहुत ही इजी रहता है। आजकल समर सीजन चल रहा है तो नींबू वगैरह इजली मार्केट में मिल जाता है। नींबू के रस को निकाल लीजिए, उसके बाद जो उसका छिलका है उससे आप इसकी सफाई करिए। विनेगर और कोलगेट की रिएक्शन से गैस बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है और जो भी कालिक वगैरह लगी रहती है वो पूरी तरह से साफ हो जाती है। तो विनेगर को डालने के बाद मैं थोड़ा सा और इसे साफ करूंगी। आपके पास टाइम है तो आप विनेगर को लगाकर थोड़ी देर गैस को और भी रख सकती हैं। उसके बाद आप इसकी सफाई करिए। मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा गैस आपको साफ करके दिखाया है। 1 से 2 बार कपड़े को अप्लाई करिए, क्योंकि कोलगेट को उतारने में 1 से 2 बार अच्छे से साफ करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि गैस बहुत ही अच्छे तरीके से साफ हो गया है, बिल्कुल भी कालिक नहीं रही है और ये मिनटों में साफ हो जाता है। अगर आप नॉर्मली स्क्रबर से साफ करते हैं या फिर विम बार से साफ करते हैं, विम लिक्विड से साफ करते हैं, तो वो इतने अच्छे से साफ नहीं हो पाता है। तो एक बार आप कोलगेट से अपने गैस को साफ करके देखिए, बिल्कुल चमकने लगेगा। अगर कांच का गैस है तो आपको रिजल्ट और भी बेटर मिलेगा। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देखते हैं दूसरी टिप। दोस्तों, हर किसी के घर में कभी ना कभी तो बाहर से खाना आता ही है, तो हमें इस तरह के डब्बे खाने के साथ मिलते हैं। तो आज मैं इस डब्बे का रियूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आपके बहुत ही काम आने वाला है। आप चाहे तो इस डब्बे में अपनी छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं, या फिर आपको ट्रेवलिंग पर जाना हो तो बिस्किट वगैरह आप इसमें रख सकते हैं, क्योंकि बिस्किट को हम जब ऐसे ही रख देते हैं तो बैग में रखने की वजह से वो टूट जाते हैं। तो आप इस तरह से डब्बे में रख कर बिस्किट को ले जा सकते हैं। इसके अलावा भी इस डब्बे का काफ़ी यूज़ है, तो इस डब्बे का हम यूज़ नहीं करेंगे। जो इसके ऊपर लगा हुआ ढक्कन है इसका हम यूज़ आपको बताएंगे। तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कोस्टर के रूप में। जब बच्चों को हम दूध वगैरह देते हैं तब इसे आप कोस्टर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, या फिर बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं तो आप इससे उनके दूध को ढक भी सकते हैं, क्योंकि बच्चे अधिकतर आनाकानी करते हैं तो आप दूध को इससे ढक भी सकते हैं, या फिर आप इसका इस्तेमाल तेल को रखने में भी कर सकते हैं। हम कितना भी संभाल कर तेल को डालें, 1 से 2 बूंद तो तेल नीचे गिर ही जाता है, जिससे हमारा किचन स्लैब गंदा हो जाता है। और जब आप इस पर तेल रखेंगे तो ढक्कन अगर गंदा हो गया तो आप इसे फिर से साफ़ कर सकते हैं, और इसे साफ़ करके आप फिर से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप इस पर घी के डब्बे को भी रख सकते हैं। आई होप आपको ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देखते हैं दूसरी यूजफुल टिप। दूसरी टिप है कांच की चूड़ियों को लेकर। जब हम कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो जब हम काफ़ी दिनों के बाद चूड़ियों को निकालते हैं तो चूड़ियाँ क्रैक हुई पड़ी होती हैं। एकाध चूड़ियाँ तो ऐसी होती ही हैं जो क्रैक हो जाती हैं। देखिए इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये चूड़ी क्रैक हो गई है। तो ऐसे टाइम पर जब आप मार्केट से चूड़ी लाएं तभी इस टिप को फॉलो कर लीजिए, इससे आपकी चूड़ी बहुत मजबूत हो जाएगी। इसके लिए जब आपने तवे पर रोटी बना लिया हो तब आप गैस को बंद कर दीजिए। तवा हमारा ऑलरेडी बहुत गर्म रहता है, इसी तवे पर आपको अपनी एक एक चूड़ी को बिछा देना है। ये हैक हमें केवल कांच की चूड़ियों के साथ करना है। आजकल कांच की चूड़ियाँ बहुत ही फैंसी फैंसी मार्केट में हैं, तो उनको लाकर ये वाली टिप को आसानी से ट्राई कर सकते हैं। अब इसी तवे पर चूड़ी को 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। 2 से 3 मिनट के बाद क्या होगा, कांच जो है उसमें हल्का सा गर्माहट आ जाता है, चूँकि हमने गर्म तवे पर छोड़ा है, गैस नहीं जलाया है, चूड़ियाँ हमारी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। 2 मिनट के बाद आप इन चूड़ियों को उठा लीजिए। आराम से हमारा तवा ठंडा हो चुका है।
चूड़ियों को संभाल कर उठा लेंगे। अब इनको पैक करके रख दीजिए। ये चूड़ियाँ सालों साल क्रैक नहीं होती हैं और जब भी आपकी इच्छा करे शादी पार्टी या फिर डेली यूज़ में इसे आप इजली यूज़ कर सकती हैं। इस तरह से कांच की चूड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो देखते हैं दूसरी टिप। दोस्तों, जब बच्चे बिस्किट का पैकेट खोलते हैं तो इसमें से 3-4 बिस्किट निकाल कर खा लेते हैं और उसके बाद पैकेट को ऐसे खुला ही छोड़ देते हैं, तो इस पैकेट को हम कहाँ रखें? अगर ऐसे ही रख देते हैं तो इसमें चींटियाँ लग जाती हैं और बिस्किट सील भी जाता है। तो मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ जिससे इसमें चींटियाँ भी नहीं लगेंगी और बिस्किट भी नहीं सिलेगा। तो पहले आप पैकेट के बीच वाले हिस्से को अंदर की तरफ मोड़ दीजिए और दोनों किनारों को आप अंदर की तरफ मोड़ते हुए ले आइए। इस तरह से दोनों किनारों को आप मोड़ते हुए ले आइए। उसके बाद ऊपर की तरफ से इसे फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ ले आइए। देखिए, इस तरह से आप फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ ले आइए। अब इस पे आप रबड़ लगा दीजिए। अब इसमें कहीं से भी एयर नहीं जाएगा और आपकी बिस्किट बिल्कुल सही रहेगी। अब आप इसे कहीं पर भी रख सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है चावल को लेकर। दोस्तों, जब हम चावल खरीद कर लाते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि ये चावल असली है या नकली। इसके लिए ले लीजिए एक बाउल और इसमें आप पानी डाल दीजिए। अब इसमें हमें थोड़ा सा चावल डाल देना है। अगर चावल असली होगा तो नीचे की तरफ बैठ जाएगा और अगर नकली हो तो पानी में ऊपर की तरफ आ जाएगा और जो माड़ होता है यानी कि कनक होती है वो इसमें नहीं आएगी। और अगर असली चावल होगा तो चम्मच से हिलाने पर इसका कलर चेंज हो जाएगा और जो कनक या माड़ होता है वो पानी में दिखने लगेगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और अगर नकली चावल है तो पानी का कलर चेंज नहीं होगा, इसका माड़ ऊपर की तरफ नहीं आएगा, ना ही उसमें कोई भूसी ऊपर की तरफ आएगी। तो इस तरह से आप अपने चावल की पहचान कर सकते हैं कि असली है या नकली। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। आपको मेरी कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।